बुधवार को प्रदेश के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने अपना 29वां जन्म दिवस अपने गृह निवास हॉली लॉज में अपने समर्थकों के साथ धूमधाम से मनाया। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने सभी का आभार जताया और अपने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को अपना 29वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस मौके पर उनके निवास स्थान हॉली लॉज में उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। विक्रमादित्य सिंह ने उन्हें बधाई देने वालों का आभार व्यक्त किया। वहीं इस दौरान उन्होंने सभी को नवरात्र पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो आने वाले समय में अपने विधानसभा क्षेत्र शिमला ग्रामीण में विभिन्न विकास कार्यों को शुरू करेंगे। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रदेश सरकार का अब तक का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, आए दिन कई तरह की आपराधिक घटनाएं पेश आ रही है। उन्होंने प्रदेश में अन्य कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। आज मेरा 29वां जन्मदिन है और मुझे बहुत खुशी है कि सभी हमारे जो कांग्रेस पार्टी के युवा साथी हैं, हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लोग हैं और जो कांग्रेस पार्टी का जन है, उन्होंने अपना प्यार आशीर्वाद और समर्थन मुझे आज के दिन दिया है। उसके लिए मैं इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित तौर से अभी नवरात्रों का पर्व भी चल रहा है, आज अष्टमी भी है। मैं अपनी जो हमारी कुल देवी हैं भीमा काली और सभी जो हमारे देव समाज के देवी देवता हैं, उनसे प्रार्थना करूँगा कि आने वाला साल हमारे लिए भी और हम वैसे भी जनता के लिए समर्पित है, तो हमारे माध्यम से हम जितना ज़्यादा जनहित के कार्य कर सके, हमको उतना शक्ति दे, शक्ति प्रदान करे, आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि हम समाज के हर लोग, जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, सब लोगों का समान विकास करने में वो हमको मनोबल और शक्ति प्रदान करे। भविष्य में भी किस तरह से हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के में विकास करवाना है, उसको वहाँ के मुद्दों को उठाना है, उनको हम देखते रहेंगे, लगातार बने हुए हैं और उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करें। जहाँ तक वर्तमान सरकार की बात है, वो बातें बहुत बड़े बड़े करते हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं कि हम हिमाचल को शिखर पर लेकर जाएंगे, मगर जो असलियत है और हकीकत है वो कुछ और ही है। पिछले 9 महीने अभी तक सरकार को हुए हैं, करीबन 250 बलात्कार के केसेज और करीबन 100 मर्डर के केसेज हिमाचल प्रदेश के अंदर रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर इसको वो शिखर पर ले जाना कहते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो सही दिशा और दशा सरकार की नहीं है। जहां तक और विकास की बात है, वो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं हम कि हम 100 करोड़ लेकर आ गए, 200 करोड़ लेकर आ गए, 600 करोड़ लेकर आ गए, मगर जो आज सड़कों की हालत हिमाचल प्रदेश में है, खुद तो मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से जो है प्रदेश का दौरा करते हैं, मगर जो यहाँ के लोग हैं, जो चाहे हमारी बिलासपुर की सड़क है, मंडी की सड़क है, मनाली की सड़क है, जो हमारा पर्यटक दृष्टिकोण से प्रदेश में पर्यटक जो है इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आज उसकी जर्जर हालत है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो नशे के खिलाफ नशा छोड़ो खेल खेलो अभियान चला रहे हैं, ताकि युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों की तरफ प्रेरित किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।